गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पहले पहले पढ़ा भाषा और व्याकरण क्या होती, ठीक है। अब उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे कि वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए पहले हम जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या बोल रहा है? वर्ण क्या होता है? बहुत सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, इसको हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर मतलब क ख ग घ अ आ ई, ये सभी क्या है? वर्ण है, अक्षर है। आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते हो। टुकड़े करने का मतलब आप इससे छोटा कुछ नहीं लिख सकते। जैसे आम है, तो आम में हम आ और म, ठीक है ना, आ प्लस म लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं आम को। बट खाली आ लिखा है तो आ को नहीं तोड़ेंगे। या आ और लिखे अगर, अगर में अगर, तीनों को अलग अलग कर दी, लेकिन अब अ को तोड़ सकते हैं? आप नहीं तोड़ सकते। ग को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। र को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो इस प्रकार बच्चों, वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। वर्ण के प्रकार बच्चों, वर्ण के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, स्वर और व्यंजन, जिसे आप इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। स्वर क्या है? स्वर वॉवेल, चलिए देखें स्वर क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या होता है? ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ये कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। देखिए मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी है, अ आ ई ई ऊ बड़ा ऊ री ए ए ओ औ। इतने ये जो हैं, ये क्या है? ये स्वर हैं। इनको बोलने में हमें किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। देखिए अ, अ में हमें कुछ और भी सुनाई नहीं देता, ये एक सिंगल अ है ना। इसी तरह व्यंजन होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और ये टोटल 35 होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, स्वर में क्या था कि हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती थी बोलने के लिए, परंतु व्यंजन में जब हम व्यंजन के अक्षरों को बोलते हैं तो हमें उसमें स्वर के वर्णों की सहायता लेनी पड़ती। यानी जब हम बोलते हैं तो उसमें स्वर के वर्ण का भी उच्चारण आता है। देखिए एग्जांपल, और ये कितने होते हैं? 35। अब देखिए जैसे क, क का बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या सुनाई देता है? क, अ की आवाज़ आती है ना। तो ये क्या है? ये स्वर का अक्षर है। तो यानी जब हम जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर के वर्णों की सहायता लेते हैं तो वो क्या होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब क से अंग तक, च से इया तक, ट से अण तक, त से न तक, प से म तक, और य से ह तक। ये सभी यानी क ख ग घ अंग च छ ज झ इ, इस तरीके से ये पूरे जो हैं यहाँ तक क से लेके ह तक जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं व्यंजन? क्योंकि इनको बोलने के लिए हमको स्वर के अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है। आप कोई भी अक्षर बोल के देखिए, जैसे च, च में क्या आ रहा है? अ आ रहा है लास्ट में, ठीक है। श, श में अ आ रहा है, ठीक है। ट, ट में भी अ आ रहा है। तो क्या हो रहा है, हमें इस अक्षर को बोलने के लिए, इस व्यंजन को, अक्षरों को बोलने के लिए हमें स्वर के अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती, इसलिए ये व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक और है बच्चों, संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ये व्यंजन है, इन दोनों में से मतलब दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तब एक नया व्यंजन बनता है जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये चार होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ये 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, री। देखिए छ, छ में क्या हो रहा है? श, श और छ को लेके। त्र, त्र में क्या होता है? त और र को लिया जाता है। ज्ञ, ज्ञ में क्या होता है? ज और इया को होता है। री, तो श्र और री को लिया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब व्यंजन व्यंजन दो व्यंजनों को मिला के हम एक नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और री, ऋषि का री, ठीक है। श्र, श और र को मिला के बनता है श्र, ठीक है। तो बच्चों आज हमने सीखा वर्ण और मात्रा। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है
जिसके टुकड़े नहीं होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या होता है, वो केवल अपने ही शब्द के उच्चारण से होते हैं, ये टोटल 11 होते हैं। जबकि व्यंजन क्या होता है, इसके उच्चारण के लिए हमें स्वर के अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है, और ये टोटल 35 होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। जब हम दो व्यंजन को मिला के कोई नया व्यंजन बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और ये टोटल 4 होते हैं। चार होते हैं कौन कौन से, क्षत्रज्ञ और ऋषि का ऋ, श्र, ठीक है ना, श्र, श्रम का श्र। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।